सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल काजोल किचन गार्डनिंग एंड कुकिंग एंड हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजोल किचन गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं और आज हम बताएंगे तीन ऐसे सलाद वाले फलों के नाम जिन्हें आप सलाद में और सब्जी में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है शलजम का बीज। तो सबसे पहले नंबर पे आता है शलजम, उसके बाद आता है चुकंदर। चुकंदर जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है ब्लड के लिए। तो और उसके बाद आता है गाजर। तो फ्रेंड्स, गाजर जो है उसका हलवा आप स्वीट डिश में भी यूज़ करते हैं, सलाद में भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम अपना जो ज़मीन का जो घास है उसको जो है साफ़ कर लेंगे, घास को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने मिट्टी को जो भुरभुरी बना लेंगे ताकि जो हमारा बीज है वो आसानी से अंकुरित हो पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चुकंदर लगाएंगे। तो इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। आप इसे फावड़े से भी, मतलब आपके पास जो भी है आपके पास उससे आप बना लीजिए। और ये हम जो अपने शलजम का जो बिया है उसे हम निकाल लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है। आप एक डंडा लीजिए और इस तरह से लाइन बना लीजिए और बीज लेकर के इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा, मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं छींट दीजिए, मतलब छींटना ही है, बोना बो दीजिए। लाइन से बोने से ये होता है कि आपका जब निकलेगा तो उसमें मतलब कि जो घास वास हो जाते हैं उनको साफ करने में आसानी रहती है। तो इस तरह से आप जो है बो दीजिए। और चलिए अब बो लेते हैं। उसके बाद आपको ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है, सारे बीए जो हैं वो लग चुके हैं। अब हम इसे जो है अच्छे से मिट्टी को हल्के हाथ से जो है मिला देंगे ताकि जो बीए हैं वो नीचे हो जाएं और मिट्टी जो है वो ऊपर से उनको ढक दे। और उसके बाद इस तरह से थपथपा देंगे ताकि जो नमी है वो बंद हो जाए अंदर ही, ताकि क्योंकि धूप इधर थोड़ा तेज़ हो रही है तो धूप की वजह से नमी जो है अंदर की वो उड़े ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम चुकंदर का जो अपना शलजम का जो पौधा है वो लगा लेंगे, वो लग चुका है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स चुकंदर की। तो चुकंदर का जो पौधा होता है वो सिंगल सिंगल ही लगता है, बिया जो होता है वो सिंगल ही लगता है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े बिये होते हैं इसके, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये है शलजम का बिया। तो इसको भी उसी तरह से लाइन बना लेंगे, अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कर लेंगे, इसकी क्यारी एक बना लेंगे, मिट्टी को भुरभुरी कर लेंगे और इस तरह से डंडे की सहायता से या हाथ की सहायता से क्यारी बना लेंगे और एक एक बिया एक एक जगह पे रख करके हम नीचे की तरफ पुश कर देंगे, यानी दबा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है लगा लेते हैं। इसके बाद जो है सारे बिये जो है वो लगा के उसी तरह से जो है हम मिट्टी को मिला देंगे ताकि बिये जो है वो नीचे हो जाए और मिट्टी जो है उसके ऊपर आ जाए। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम दबा देंगे मिट्टी को। तो अब फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे जो चुकंदर और शलजम जो है वो लगा दिए हैं। अब हम बात करते हैं गाजर की। तो फ्रेंड्स, गाजर का जो बिया होता है वो लगभग इस तरह से जीरे के टाइप में लगता है। तो जो है हम गाजर का जो बिया है उसे हम लगाना शुरू करेंगे। तो बस वही प्रोसेस है, लाइन बना लीजिए और गाजर का जो बिया है इसको आप इस तरह से छोड़ा थोड़ा 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 करके छींट दीजिए। तो एक जगह ज़्यादा गाजर का बिया ना डालें, एक जगह कोशिश करें कि एक या दो ही पड़े, फिर लगा करके और इस तरह से मिला देंगे हम। मिलाना फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो मिलाना भी, ये भी नहीं है कि बहुत गहरे में आप मत लगाइएगा, बहुत ही ऊपर ही लगाइएगा ताकि उसको उगने में थोड़ा आसानी हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो तीनों फल है सलाद के जो फल हैं वो लग चुके हैं और यहाँ पे हमने लगाया है शलजम और यहाँ लगाया है चुकंदर और मेड़ी पे भी मैंने चुकंदर लगा दिया है और इसमें लगाए हैं हम लोगों ने गाजर। और मैंने आपको सरसों लगाई है, मैंने दिखाई नहीं क्योंकि वो पहले ही बो दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यहाँ पर चना उगा रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप भी इसी तरह से गार्डन में अपने कुछ ना कुछ लगाइए। ओके फ्रेंड्स।